अस्सलाम वालेकुम, हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा जहान। आज का है व्लॉग फूड रिव्यू वाला, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है ए टू बीस। ये टिफ़िन सेंटर काफ़ी फेमस है, साउथ इंडियन टिफ़िन सेंटर है ये। और मैंने ऑर्डर किया है फुल 3 पीपल मेनू, जिसमें आएगा डोसा, इडली, वड़ा, केसर बात और उपमा। ये 3 पीपल के लिए सफिशियंट है। तो ये बॉक्स तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पैकिंग भी मुझे बहुत ही एकदम बढ़िया दिख रही है। इसका प्राइस मुझे पड़ा अराउंड 427 आफ्टर 100 रुपीज़ डिस्काउंट के बाद। तो मैंने इसे जोमेटो से ऑर्डर किया है। चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। प्लेट्स दिया है जो कि डिस्पोजेबल वुडन प्लेट्स है। हर चीज़ उन्होंने सफ़ेद सफ़ेद बॉक्स में पैक करके दिया है ए टू बी वालों ने। शायद ये डोसा रहेगा, फॉइल में पैक है। ये है चटनी, ग्राउंड नट चटनी। ये है इडली, इसमें है वड़ा, ये उपमा और ये भी चटनी है। ये सांभर है और इसमें भी इडली। मैंने सारे बॉक्सेस ओपन कर दिया है। ये है केसर बात, चटनी, इडली, वड़ा, सांभर, ये भी कोई चटनी है। और ये मैंने सोचा कि उपमा रहेगा, लेकिन ये पोंगल है जो राइस से बनता है। और ये डोसा, माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने डोसा स्टार्ट किया है पहले। केसर बात का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, स्वीट सा रहता है ये स्वीट। इडली का भी टेस्ट अच्छा है। ये है पोंगल, पोंगल का टेस्ट मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बाकी सब कुछ ठीक है। ए टू बी में अगर आप टेस्ट का कोई भी इशू नहीं रहेगा, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मिलता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरा फूड रिव्यू वाला व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।